किया। मैं कहा नहीं सर, मैंने सेल एंड परचेज ऑफ किया, मैं जीएसटी के बिल है। कहते ठीक है मनिंदर। उसके बाद इनके बैंक ने, इन्होंने मुझे शॉर्टी दी कि ठीक है आगे कोई एक्शन नहीं होगा, दो अकाउंट सीज है सस्पिशियस एक्टिविटी में। उसके बाद इन्होंने मेरा तीसरा अकाउंट जो इन्हीं के बैंक से लिमिट अकाउंट है सीज कर दिया, मेरे फादर का अकाउंट सीज कर दिया, मेरे ब्रदर का अकाउंट, सब में मिला के 2.5 से 3 करोड़ रुपए थे, उन्होंने सब सीज कर दिया। मैं इनसे जवाब मांगता हूँ क्या हुआ। ये कहते हैं कोटक बैंक में कुछ फ्रॉड हुआ है, आईटी का पैसा गलती से है। मैं कोई नहीं सर, उस फ्रॉड के पैसे से ना जिनके अकाउंट में, वो हमसे सोना ले गए, हमें सारी डिटेल दे गए ना वो। मैं कहा आप उनको पकड़ो सर जिन्होंने फ्रॉड किया है, आप उसके बाद हम तक तो तब इंक्वायरी करोगे, पहले फर्स्ट पार्टी इंक्वायरी बनती है। ये कहते हैं जी दिल्ली कमिश्नर आया है ऑफिस से, वो कल मैं गया ना, वो कहते हैं हमारी ज्यूरिडिक्शन ही नहीं है, हम कैसे, तुम यहाँ कैसे आ गए हो। मैं कहा मुझे बैंक ने भेजा, कह रहे हमने बैंक को कुछ बोला ही नहीं है, हमारी तो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ फ्रॉड हुए जो कोटक बैंक में हुए, वहां से एक फर्म में पैसा गया हुआ है। मैं कहा ठीक है सर, उस फर्म ने मुझसे गोल्ड लिया, मुझे क्यों लिंक कर दिया आप लोगों ने। वो कहते हैं हमने कुछ भी नहीं किया, जो किया बैंक ने किया। मैं वहां से कमिश्नर से वापस आ गया, मैं इनसे 10 दिन से रिटर्न में मांग रहा हूँ सर किस बेसिस पे आपने मेरे सारे अकाउंट ब्लॉक कर दिए। वहां से मेल आया एना को ब्लॉक करो फर्स्ट कंपनी, इन्होंने मेरे लिंक अकाउंट सारे, क्यों, क्योंकि इनको ये पता था हम भाइयों की कंपनी है, भाई है, भाई के बाद मेरे बाप के अकाउंट के 1.25 करोड़ भी इन्होंने ब्लॉक कर दिए। किस बेस पे कर दिए, जो आप तो दोगे ना सर मेरा पैसा, आईटी से कोई चार्ज नहीं आया, कानून आईटी कानून के अंदर हक है, अगर वो मेरे बैंक का पैसा डायरेक्ट रिकवर तब कर सकते हैं जब मैंने गवर्नमेंट का कोई पैसा देना। मुझे किसी भी डिपार्टमेंट से कोई नोटिस अब तक नहीं आया, ना बैंक को कोई नोटिस आया मेरे लिए, बैंक को एना के लिए नोटिस है, पर बैंक ने उसके अलावा 8 अकाउंटों में मेरा 2 करोड़ रुपए 2.5 करोड़ रुपए सीज कर दिया। मैं इनसे जवाब मांगता हूँ, इन्होंने मुझे 1 तारीख को मेल किया कि 5 तारीख तक तेरे पास टाइम है, तू हमें जवाब दे दियो। इन्होंने कल मेरे को मेल किया 4 तारीख को, हम तेरा पैसा वापस रोल बैक कर रहे हैं। मैं किसको कर रहे हो, तो आईटी डिपार्टमेंट को। मैं कहा पैसा आया कहाँ से, मुझे मुझे एना से आया नहीं है, मुझे एना से पैसा आया, मैंने गोल्ड बेचा है, मुझे उसके अगेंस्ट में पैसा आया जिसके मेरे पास जीएसटी के बिल कटे हुए। तुम मेरा पैसा किसी को कैसे दे दोगे बिना मुझसे इंक्वायरी किए। इनके बैंक ने कोई इंक्वायरी मुझसे अब तक नहीं की है, मुझसे मेरा पॉइंट पूछो। कल कमिश्नर ने मुझे भगा दिया, कह रहे हम अगर करेंगे तो हम पहले ज्यूरिडिक्शन तुम्हारी वहां है वहां भेजेंगे, ज्यूरिडिक्शन नहीं बनती, तुम्हें बैंक मिसगाइड कर रहा है। ये कमिश्नर की कल वर्डिंग है, 1205 रूम नंबर ये दिल्ली मिंटो। मैं वहां गया कमिश्नर सिविक सेंटर में, 8 ज्वाइंट कमिश्नर बैठे थे, कहते हमने कुछ भी नहीं किया अपने बैंक से बात, मेरा पैसा कहाँ है सर, मेरा पैसा कल इन्होंने मेल कर दिया बैंक ने मुझे कि आपका पैसा रोल बैक कर रहे हैं। किसको कर रहे हो यार सर, आपके बैंक में पैसा पड़ा है, आपके अकाउंट से बैंक आए थे, आईटी वालों को तुम्हारा पैसा, किस लिए पैसा दे रहे हो। मैं 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ बैंक में किस लिए रखता हूँ। मोदी कहता है भैया व्हाइट का काम करो, व्हाइट का काम करो। अरे मैंने क्राइम कहाँ किया, मैंने इनको बोला मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, मैं कोर्ट जा रहा हूँ, मैं हाई कोर्ट जा रहा हूँ, मुझे टाइम दो। अगर मैं गलत हूँ, मेरा पैसा आपके होल्ड पड़ा है ना, मेरी अमानत है, आप किसी को मेरी अमानत कैसे दे रहे हो सर बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के। कोई लॉ में कहीं नहीं लिखा ये बिना कोर्ट ऑर्डर के मेरा पैसा वापस दे सकते हैं। ये तो पढ़ा लिखा आदमी टकर गया भाई साहब, ये बैंक की सबकी गलती है। मैंने इंक्वायरी आईटी को भी राइट नहीं है, आईटी पर इंटरनल फ्रॉड है 15 करोड़ का जो उनका टोकन वाला मिला हुआ है, उसमें किसी और पैसा वालों ने पैसा तुम अपनी इंक्वायरी करो, टीडीएस रिफंड कोटक बैंक ने इनको बोल दिया इंक्वायरी करो, आईटी में जो ऑफिसर इन्वॉल्व है जिन्होंने पैसा ट्रांसफर किया। बड़ा सिंपल सवाल, फ्रीज क्यों किया गया, फ्रीज कर सकता है अकाउंट, फ्रीज किसके कहने पे किया आपने, बस एक सवाल का जवाब चाहिए। ये कहते हैं हमें पैसा रोल बैक, ये तो हमें रोल बैक की धमकी दे रहे हैं सर, ये हमें मेल कर रहे हैं कि हम आपका पैसा आईटी का रोल बैक कर रहा है, उसका ऑर्डर किसने, आपने किसके ऑर्डर में फ्रीज किया इनके अकाउंट, बस ये सुनना है। नहीं आप ये तो बताएंगे आपने फ्रीज किया किसके कहने पे किया, किसके कहने पे फ्रीज किया, ये अकाउंट किसके कहने पे फ्रीज किया, बस आपके पास ऑफिशियल मेल आई है, रिटर्न ही नहीं है मेरा नाम ही, सरकार की मेल आई है, आपके विभाग की मेल आई है, किसकी मेल से आपने अकाउंट फ्रीज किया। हार्ट पेशेंट है सर, 1.25 करोड़ इन्होंने उनका होल्ड कर रखा है, परसों हमारे घर में शादी है, मैं कहता हूँ सर मुझे पैसा दो, कहते आईटी डिपार्टमेंट वाले कहते भाई तू यहाँ किस लिए आया। सर आप भी किसी को बिना समन के पुलिस वाले को आएगा आप इंटरटेन करोगे, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, नोटिस दो, मेरी गलती है मैं लिख के दे रहा हूँ, कैसे उड़ा, मेरी गलती है मैं लिख के दे रहा हूँ, 2 करोड़ नहीं 10 करोड़ 20 करोड़ मैं भरूंगा बैंक को यार। और मेरे पास हमारी सिक्योरिटी बड़ी है, सबसे बड़ी चीज अगर बैंक को कल को हमारे ऊपर कोई भी आती है लाइबिलिटी, चाहे वो 2.5 करोड़ मेरा पैसा किस बेस पे आप लोग, मुझे पूछने का हक नहीं है सर। मैं इनको 10 दिन से मेल कर रहा हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट दो, ये डॉक्यूमेंट ही नहीं दे रहे, क्यों ब्लॉक किया मेरे को, आज मेरा पैसा दिलवा दो सर, मेरे फादर सच में हार्ट पेशेंट है, मेरा पैसा मुझे वापस। मैं सब मीडिया के आगे बोल रहा हूँ मेरे पे कोई डायरेक्ट लाइबिलिटी है, मैं पे करूंगा गवर्नमेंट। हमारी इस बैंक से 1 करोड़ की लिमिट है,
आप उस अकाउंट में पैसा रखो, हमारी प्रॉपर्टी पड़ी है। अगर हमारे खिलाफ कोई भी निकलती है लाइबिलिटी कि हमने फ्रॉड किया है या हमारा कोई देनदारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कोर्ट का ऑर्डर आए, आप उस पैसे को दे दो, हम आपको एश्योरिटी दे रहे हैं आपके पास हमारी प्रॉपर्टी पड़ी है, आप उसको बेच के हमारा पैसा भरना, पर आप हमारा पैसा अभी रिलीज करो, हमारे से रिटर्न में क्यों लेना, हम रिटर्न में देने को तैयार हैं, आपको जो बॉन्ड चाहिए जो भी चाहिए हम आपको देने को तैयार हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।